हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूँ कल्याणी साहू एंड वेलकम टू द चैनल सीएस नेट क्रैकर्स। आज के जो ये वीडियो है, ये कंप्यूटर नेटवर्क का हमारा नेक्स्ट वीडियो है और इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं यूनिकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग एंड लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, ये सब टर्मिनोलॉजी का डेफिनेशन क्या है एंड ये सब कैसे यूज होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल थ्रू डायग्राम। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिकास्टिंग, यूनिकास्टिंग इज कम्युनिकेशन बिटवीन ए सिंगल सेंडर एंड अ सिंगल रिसीवर ओवर ए नेटवर्क। दो नेटवर्क है, इसमें एक होस्ट है, इसमें एक होस्ट है, ये दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वन टू वन बेसिस में, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिकास्टिंग बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर इज यूजफुल व्हेन देयर इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ सिंगल सेंडर एंड सिंगल रिसीवर। सिंगल सेंडर एंड सिंगल रिसीवर जहाँ पे इन्वॉल्व है वहाँ पे हमारा क्या होता है, वन टू वन ट्रांसमिशन होता है एंड वहाँ पे हमारा यूनिकास्टिंग कम्स इनटू पिक्चर। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ए डिवाइस हैविंग आईपी एड्रेस 10.1.2.0 इन ए नेटवर्क वांट टू सेंड ट्रैफिक स्ट्रीम और डाटा पैकेट टू द डिवाइस विथ आईपी एड्रेस 20.12.4.2 इन द अदर नेटवर्क, देन यूनिकास्ट कम्स इन टू पिक्चर। दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डाटा ट्रांसफर ओवर द नेटवर्क। ये डाटा ट्रांसफर का बहुत ही कॉमन हमारा क्या होता है, यूजफुल होता है कॉमन टर्म। तो इसको देखिए डायग्राम के थ्रू अच्छे से जानते हैं कि ये होता क्या है। जैसे कि हमारा ये 10.0.0.0 नेटवर्क है ना, और ये 172 डॉट सॉरी ये हमारा 172.16.0.0 है ना। तो यहाँ पे हमारा 10.0.0.1 ये होस्ट ट्राई कर रहा है ये होस्ट को कुछ डाटा ट्रांसफर करने के लिए। तो यहाँ पे वर्क कैसे होता है, तो जो डाटा हम ट्रांसफर कर रहे हैं ये एक पैकेट फॉर्मेट है, ठीक है, यूनिकास्टिंग का पैकेट फॉर्मेट। यहाँ पे डाटा हम स्टोर कर रहे हैं एंड नेक्स्ट फील्ड में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, जो सोर्स आईपी एड्रेस है। सोर्स आईपी एड्रेस क्या है, ये हमारा होस्ट का सोर्स आईडी है जो कि 10.0.0.1 है एंड डेस्टिनेशन हम कहाँ पहुँचाना चाहते हैं 172.16.0.5। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, सोर्स आईडी, सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस यूज करके ये होस्ट यहाँ पे कुछ डाटा ट्रांसफर कर पा रहा है, इसको हम बोल रहे क्या है, यूनिकास्टिंग। तो लास्ट वीडियो में हमें पता था कि एक आईपी एड्रेस देने से हम कैसे इसका नेटवर्क आईडी एंड डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैसे फाइंड करते हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं प्रीवियस वीडियो को अगर आपको जानना है। तो नेक्स्ट इसमें देखिए कि यहाँ पे जो कुछ टर्मिनोलॉजी यूज हुआ था, जैसे सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, डीआईपी, एसआईपी होता है एंड नोट इसमें क्या है, इट इज़ ए यूनिकास्टिंग पैकेट बिटवीन द नेटवर्क। कौन सा यूनिकास्टिंग पैकेट था, ये वाला, यहाँ पे देख के पता चलता है कि ये एक यूनिकास्टिंग पैकेट है सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच। देन नेक्स्ट हमारा है इफ बोथ आईपी एड्रेस आर सेम, अगर सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी बोथ सेम है तो राउटर क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा वो पैकेट को। इफ बोथ द आईपी एड्रेस आर डिफरेंट फॉरवर्ड द पैकेट फर्दर इन द नेटवर्क, ठीक है, फॉरवर्ड होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, ब्रॉडकास्टिंग। सो ब्रॉडकास्टिंग ट्रांसफर मतलब क्या है, वन टू ऑल टेक्निक कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। सो ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, यहाँ एक नेटवर्क है, यहाँ अनदर नेटवर्क है, यहाँ पे एक होस्ट है, यहाँ बहुत सारा होस्ट है, सोचिए कि एन नंबर ऑफ होस्ट है। तो ये होस्ट क्या चाहते हैं, सारा होस्ट को कुछ डाटा सेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग पिक्चर में आता है। तो ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, वन टू ऑल, एक होस्ट बहुत सारा होस्ट को कुछ कॉमन सा डाटा सेंड करना चाहता है ना। तो ये दो टाइप का होता है, एक होता है लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग एंड अनदर वन होता है डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग। तो फर्स्ट देखिए लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, सपोज यू हैव टू सेंड अ स्ट्रीम ऑफ पैकेट्स टू ऑल द डिवाइसेस ओवर द नेटवर्क दैट यू रिसाइड, जो नेटवर्क में आप हो, ये वाला नेटवर्क में आप हो, ठीक है, ये वाला नेटवर्क में एक होस्ट क्या चाहता है, ये सारा होस्ट को कुछ डाटा सेंड करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक्सक्यूज मी, ये वाला एक नेटवर्क है, यहाँ पे बहुत सारा होस्ट है, एक होस्ट क्या चाहता है, बहुत सारा होस्ट को कुछ डाटा सेंड करना चाहते हैं यहाँ से यहाँ, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे क्या यूज करेगा, लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग यूज करेगा। फॉर दिस टू अचीव इट विल अपीयर टू, यहाँ पे क्या है, अपेंड करेगा क्या डेस्टिनेशन आईपी में 255.255.255.255।
ऑल द 32 बिट्स ऑफ आईपी एड्रेस सेट टू वन कॉल्ड अस लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस. इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस बोलते हैं. इन दिस डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ द डाटाग्राम हेडर विच इज रिजर्व फॉर द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर टू द रेसिपेंट फ्रॉम द सिंगल क्लाइंट ओवर द नेटवर्क. यहाँ पे क्या होता है, देखो डाटा पैकेट का फॉर्मेट कैसे होता है. यहाँ पे हमारा डाटा जो हमें ट्रांसफर करना है, सोर्स आईपी लेट्स टेक 10.0.0.5, ये एक होस्ट है, ये ट्राई कर रहा है कि इसी नेटवर्क में 10.0.0.0 नेटवर्क में एक डाटा वो हर एक हमारा होस्ट को ट्रांसफर करना चाहते हैं. तो यहाँ पे वो आईपी एड्रेस डेस्टिनेशन में क्या लिख लेगा, 255.255.255.255, ठीक है ना. तो ये हमारा पैकेट फॉर्मेट हो गया लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग का. तो इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं. लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग ये हो गया हमारा लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग. कैसे हो रहा है, देखो 10.0.0.1 इसी नेटवर्क में हर एक होस्ट को कुछ डाटा ट्रांसफर करना चाहता है. तो यहाँ पे हमारा राउटर का जो मेन इंपॉर्टेंट काम है, ये क्या चेक करेगा, अगर हमारा सोर्स आईपी एड्रेस 10.0.0 है, 0.0.1 है, तो यहाँ से हमारा इसका नेटवर्क आईडी फाइंड कर लेगा कि ये इसी नेटवर्क को बिलोंग कर रहा है जहाँ से ये आ रहा है. तो ये क्या करेगा, फर्दर इसको फॉरवर्ड नहीं करेगा, ये यहाँ पे इसको ब्लॉक कर देगा. एंड इसी नेटवर्क में डेस्टिनेशन हमारा क्या हो जाएगा, 255.255.255.255. तो यहाँ पे ही ये सारा इसमें नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट हो जाएगा. तो इसको हम बोलते हैं लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग, और राउटर का यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट जो काम रहता है. नेक्स्ट हमारा देखिए डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग. दिस इज यूजफुल व्हेन अ डिवाइस इन वन नेटवर्क वांट्स टू ट्रांसफर पैकेट स्ट्रीम्स टू ऑल द डिवाइसेस ओवर अदर नेटवर्क. दिस इज अचीव्ड बाय ट्रांसलेटिंग ऑल द होस्ट आईडी पार्ट बिट्स टू द डेस्टिनेशन एड्रेस टू वन रेफर टू अस डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस. लास्ट टाइम हमने लास्ट प्रीवियस जो हमारा वीडियो था उसमें हम देखे थे कि डीबीए कैसे फाइंड करते हैं. डीबीए में क्या होता है, जो हमारा होस्ट पार्ट होता है एक आईपी एड्रेस का, उसमें हम जैसे कि ये 20.0.0.1 है, तो इसमें 20 में हमारा क्लास ए बिलोंग कर रहा है, तो होस्ट पार्ट हमारा इतना हो गया. तो ये जो हमारा 24 बिट है इसको हम क्या करते हैं, सेट टू वन कर देते. तो इसका डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या हो जाएगा, 20.255.255.255, है ना. ऐसे ही तो पूरा जो होस्ट पार्ट होता है, अचीव्ड बाय ट्रांसलेटिंग ऑल द होस्ट आईडी पार्ट बिट्स ऑफ द डेस्टिनेशन एड्रेस टू वन, इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस बोलते हैं. तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट कैसे काम देता है, जैसे 10.0.0.1 ये ट्राई कर रहा है 172.6 में, जो कि क्लास बी का हमारा आईपी एड्रेस है, वहाँ हर एक सिस्टम को कुछ डाटा ट्रांसफर करने के लिए. तो ये क्या करेगा, 172.16 इसके बाद जो हमारा हमारा ये क्या है, होस्ट पार्ट है, इसको पूरा ऑल टोटल वन बना देगा. तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 255.255, सही है ना. तो यहाँ पे ये हमारा जो होस्ट है इसी नेटवर्क में, 10 नेटवर्क में, ये यहाँ यहाँ पे ब्लॉक नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है वो डिफरेंट नेटवर्क को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये पैकेट फॉरवर्ड हुआ. और यहाँ ये राउटर चेक करेगा कि ये पैकेट जो आ रहा है ये हमारा नेटवर्क में आना चाहता है क्या, तो ये इसी नेटवर्क में आना चाहता है ना. तो यहाँ पे फिर ये देखेगा कि होस्ट पार्ट में 255.255 है, तो फिर ये डाटा ऑल दी होस्ट को ट्रांसफर हो जाएगा. तो ये है एक ब्रॉडकास्टिंग पैकेट यहाँ पे. तो देखिए इट इज अ ब्रॉडकास्टिंग पैकेट इन इन द नेटवर्क, वो नेटवर्क में एक ब्रॉडकास्टिंग पैकेट था. अगर हम स्वाप कर देते सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी पे, जो लास्ट हमारा पैकेट था उसमें अगर सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी को हम स्वाप कर देते तो क्या होगा, कुछ मीनिंगलेस नहीं हो, मतलब मीनिंगलेस हो जाएगा. कैसे, ऑल द होस्ट सेंडिंग सेम डाटा टू द सेम एड्रेस. हर एक जो 172.16 वाला नेटवर्क था उसमें हर एक होस्ट क्या कर रहे हैं, सेम डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, ये 10.0.0.1 को, जो कि मीनिंगलेस है. तो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस विल ऑलवेज बी यूज एज ए डेस्टिनेशन आईपी. सो डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस ऑलवेज यूज होता है कैसे, डेस्टिनेशन आईपी जैसा, ठीक है ना. नेक्स्ट देखते हैं इसमें हमारा यूनिकास्टिंग विद इन द नेटवर्क. यूनिकास्टिंग हम लास्ट टाइम देखे थे कि एक होस्ट से दूसरा होस्ट को जाता है डाटा,
उसको बोलते हैं यूनिकास्टिंग, मतलब 1:1, 1:1 होता है ये। तो विद इन द सेम नेटवर्क के अगर यूनिकास्टिंग करना है तो सोर्स आईपी हमारा 10.0.1 है एंड 10.0.0.5 हमारे डेस्टिनेशन आईपी है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से डाटा 10.0.0.1 से डाटा हमारा यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ये राउटर के थ्रू जाएगा, तो राउटर इसको ब्लॉक करेगा क्योंकि नेटवर्क आईडी दोनों का सेम है, तो ये फर्दर फॉरवर्ड नहीं करेगा, उसी नेटवर्क में इसको ट्रांसफर कर देगा। देन नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें, ये बोथ द सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी हैविंग सेम नेटवर्क आईडी, देन द पैकेट इज ब्लॉक्ड बाय द राउटर एंड इज सेंड विद इन द नेटवर्क, नेटवर्क के अंदर ही सेंड हो जाएगा। तो डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग हमने देख लिया। फिर इसके बाद हाँ, डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग में अगर हम स्वाप कर देते हैं लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग में, अगर हम ये लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग हो गया था, इसमें भी अगर हम स्वाप कर देते हैं सोर्स आईडी एंड डेस्टिनेशन आईडी को, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो हमारा कुछ डाटा है, या हमारा सोर्स आईडी डेस्टिनेशन आईडी स्वाप करने के बाद क्या हो रहा है, बिकॉज एवरी नोड इज सेंडिंग सेम डाटा टू ए सिंगल नोड। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक नेटवर्क में बहुत सारा होस्ट है, तो ये अगर हमारा 10.0.0.1 है, सारा होस्ट इसी को ही डाटा सेंड कर रहे हैं एक नेटवर्क के अंदर, जो कि रिडंडेंट डाटा हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, डाटा लॉस होगा, तो बहुत सारा इसमें क्या होता है, कुछ यूजफुल नहीं होता है, यूजलेस होता है। तो लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस ऑल्सो यूज एज ऑलवेज यूज एज डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ये दोनों आपको याद रखना है। जो हमारा लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, दोनों हमारा क्या होता है, सोर्स आईडी की तरह नहीं, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस की तरह यूज होता है। तो चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं मल्टीकास्टिंग क्या होता है। इन मल्टीकास्टिंग वन और मोर सेंडर और वन और मोर रिसिपेंट पार्टिसिपेट इन द डाटा ट्रांसफर। क्या होता है, यहाँ से बहुत सारे, यहाँ से बहुत सारे, ठीक है, मैनी टू मैनी जैसे, ये होता है हमारा मल्टीकास्टिंग जैसा। तो मल्टीकास्टिंग क्या होता है, मल्टीकास्टिंग जो है ये रिजर्व हो गया है क्लासफुल आईपी में, क्लास डी के अंडर। क्लास डी का जो हमारा आईपी एड्रेस होता है वो मल्टीकास्ट के लिए यूज होते हैं, लाइक आईजीएमपी। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे इसका मतलब सबनेटिंग का क्वेश्चन देखेंगे, और इसके बाद प्रोटोकॉल्स जो हमारा फिजिकल लेयर से लेके टोटल एप्लीकेशन लेयर तक कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है और कैसे यूज होता है, वो सब हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो ये हो गया हमारा यूनिकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग दो टाइप का, लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग एंड डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग एंड मल्टीकास्टिंग। सो आई होप ये सब वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बहुत सारे सबनेटिंग का क्वेश्चन। सो थैंक यू गाइज, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स अ लॉट।